ध्यान से सुनिएगा, संत महापुरुष जीवन में आते हैं तो कई उपकार करते हैं, लेकिन आज पांच उपकार बताऊंगी। मेरे जैसे पर भी बड़ा उपकार किया, मैं बहुत खुश थी लेकिन बापूजी खुश नहीं। मुझे लग रहा था वो बहुत कुछ है, बापू को लग रहा था वो बोलो कुछ। तो मेरे पिताजी कहते थे कि बापू सही कहते थे। बस आज पांच आधार बताकर जा रही हूँ जो कभी छोड़िएगा नहीं। लेकिन आज पांच उपकार बताऊंगी। संत महापुरुष जीवन में आते हैं तो पहला उपकार करते हैं कि हमें सत्संग से जोड़ते हैं। दूसरा उपकार करते हैं कि हमें भगवान नाम जप से जोड़ते हैं। तीसरा उपकार करते हैं कि हमें मुक्ति से जोड़ते हैं। चौथा उपकार करते हैं कि हमें भक्ति से जोड़ते हैं। पांचवा उपकार करते हैं कि हमको सेवा से जोड़ते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं सुबह से रात तक कमाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और रात को सो जाते हैं। सुर नर मुनि जन सब की ये रीति, स्वार्थ लागई करई सब प्रीति। उतने में ही चक्की घूमती रहती। लेकिन जिसको सत्संग मिलता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होता ना, मनुष्य रात्रि को सोने से पहले सोचता है आज मुझे क्या मिला। बोलिए तो, आज मुझे पड़ोसन ने क्या दिया, पति ने क्या दिया, मायके से क्या आया और बेटे के ससुराल से क्या आया, आज मुझे क्या क्या आया। लेकिन जब जीवन में सत्संग आता है, विवेक जगता है, तो साधक श्रेष्ठ सोचता है कि आज मैंने समाज को क्या बोल भी दो दिया, आज मैंने पड़ोसी को क्या दिया, आज मैंने साधकों को क्या दिया, आज मैंने समाज को क्या दिया। दो रास्ते हैं, या तो मुझे क्या मिला या तो मैंने क्या। जयराम जी के बोलना पड़ेगा प्रेम से मिलके। संत हमारे जीवन में आते हैं तो बड़ा उपकार करते हैं। मेरे जैसे पर भी बड़ा उपकार किया। जैसे आप यहाँ भारत के छेड़े पे रह रहे हो, ऐसे मैं भी बहुत दूर मुंबई से 70 किलोमीटर अंदर कल्याण उल्लास नगर में रहती हूँ। साधारण परिवार की साधारण बच्ची, माता पिता मेरे मध्यम वर्गी, और पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा था मैं टीचर बनूंगी, मैं एयर होस्टेस बनूंगी। बहुत खुश होकर मैं बापूजी के पास इनाम लेकर गई थी। बापूजी, इतना बड़ा मुझे चांदी का कप मिला है और बापूजी मुझे स्कूल में नौकरी मिल रही है और मुझे 1800 रुपये पगार मिल रही है। मैं बहुत खुश थी। आज से 30 साल पहले 1800 रुपये बहुत थे, आज 50,000 से ऊपर हो गए होते। मैं बहुत खुश थी लेकिन बापूजी खुश नहीं थे। मुझे लग रहा था वो बहुत कुछ है, बापू को लग रहा था वो बोलो कुछ भी। एक बच्चा जब रोता है कि मुझे एक फटाका दो, एक फटाका दो, इतना रोता है कि पड़ोसी बोलते हैं क्यों रो रहा है और आप हंसते हो, ये फटाके के लिए रो रहा है। ऐसे ही हम संसारी जिसके लिए रोते हैं, बापू हमारे को देख के हंसते हैं, ये किस लिए रो रहे हैं। कहा बेटा दे दो। कहा जिनको बेटे हैं उनसे पूछ लो उनका हाल चाल क्या है। कहा बापू जी मेरी शादी हो जाए। कहा जिनकी हो गई उनसे इंटरव्यू ले। पीछे जा रहा है। एक बार चक्की पिस के रुक जाती है पर ये संसार का पिसना रुकता नहीं, चलता जाता है। जयराम जी के आखिर में मांगने तो वही गई थी और बापूजी मुस्कुराए और बोले के बस 1800, इससे क्या होगा, कितने लोगों को पढ़ाओगी। इनका बापू 60 बच्चे होंगे क्लास में। तो गुरुजी कहे बस तेरे को 60 लोग सुनेंगे। मैंने कहा हाँ बापू। वो ब्रह्मानंद की मस्ती में क्या बोलूं मैं उस आत्मानंद के खेल का। वो मुस्कुराते हुए बोले अरे तू बोलेगी तो दुनिया सुनेगी, बैठ। तो मेरे पिताजी हंस रहे थे इसको कौन सुनेगा, चलो घर। तो मुझे घर लेकर गए थे और मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया,
लेकिन जब मुझे लगन लग गई तो मैं अहमदाबाद आश्रम जाके अनुष्ठान की, मौन मंदिर की, और बापूजी ने बाल संस्कार चलाने बोला, अनुष्ठान करवाया, मौन मंदिर करवाए और धीरे धीरे सत्संग की आज्ञा दी। तो मेरे पिताजी कहते थे कि बापू सही कहते थे, हम बापूजी के कथन को पहचान नहीं पाते, हम बापूजी की वाणी को समझ नहीं पाते, पर ये सत्य है कि सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सचमुच गुरु हैं, दीन दयाल सहज ही कर देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो दीक्षा लेने से पहले मांसाहार करते थे, लेकिन दीक्षा ली, देखो कितने हाथ खड़े हो गए। तो अब नाम भी मत लो बहन जी, छोड़ो इस चीज को, जो छूट गया सो छूट गया, और कब छूट गया पता भी नहीं चला। तो ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, अवगुण छोड़ना नहीं पड़ता है, अवगुण सहज में छूट जाता है। बस आज 5 आधार बताकर जा रही हूं जो कभी छोड़िएगा नहीं। सबसे पहला आधार है सत्संग का आधार, मंगलमय चैनल, संत श्री आशाराम जी आश्रम चैनल, यूट्यूब के माध्यम से त्रिकाल संध्या कर ली, गुरु गीता पढ़ लिया, योग वशिष्ठ सुन लिया, शाम को 8:30 से 9 कुछ माला नहीं की, बस दीवार का सहारा लेकर आधा घंटा सत्संग सुन लिया। तो माताएं सुबह सुबह उठती हैं ना, पहला काम करती हैं घर में झाड़ू निकालती हैं, क्यों? घर का कचरा। हम लोग उठते हैं सुबह पहले दांत घिसते हैं, क्यों? मुंह का कचरा बाहर है। आंख धोते हैं, क्यों? आंख का कचरा बाहर है। स्नान करते हैं, क्यों? शरीर का कचरा धुल जाए। कपड़े धोते हैं, क्यों? कपड़े की मैल बाहर जाए। घर की शुद्धि की व्यवस्था है, मुख शुद्धि की व्यवस्था है, शरीर शुद्धि की व्यवस्था है, कपड़े की शुद्धि की व्यवस्था है, तो एक व्यवस्था गुरुओं की है, अंतरकरण शुद्ध की, और उस व्यवस्था का नाम सत्संग है। जयराम जी की, ये सनातन धर्म है, तभी ये सत्संग गुरु महापुरुषों की आप कदर समझ पा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में बैठकर, कि रात को पानी की बरसात पड़ी और दिन में गुरु कृपा की बरसात पड़ रही है, उसने भी कमी नहीं छोड़ी और यहाँ कृपा ने भी कमी नहीं छोड़ी। तो कोई बोले परीक्षा नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। एक बच्चा 4th से 5th में जाता है ना, तो भी वो क्या देता है? परीक्षा। नहीं तो टीचर उसको 5th में नहीं डालती, परीक्षा दे पहले। तो आप सोचते हो हमको मुक्ति पानी है, हमें मोक्ष पाना है, तो कुछ संघर्ष और परीक्षा तो जीवन का पहलू है, क्योंकि हर महीने में अगर पूनम आती है तो ठीक 15 दिन में अमावस है। अभी ठंडी गई है तो गर्मी आएगी, गर्मी जाएगी तो बरसात आएगी। ये समय परिवर्तनशील है, तू कब तक किसे चाहेगा, साधो ये समय सदा ना रहेगा।